एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला शरारा बनाना। इसके लिए मैंने लिया है 6 मीटर बनारसी कपड़ा, आप सादा भी ले सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि मैं डिज़ाइनर और पार्टी वेयर बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने बनारसी मटेरियल चूज़ किया है। इस तरीके से देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से इसको तिकोना फोल्ड किया है, तो ये 4 फोल्ड हमारा हो चुका है। इस तरीके से देखिए, लंबाई जितनी भी रखनी है उसमें 4 इंच प्लस करके और फिर इसमें मेजरमेंट निकालेंगे देखिए इस तरीके से, और गोलाई में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए लंबाई ले लेंगे इसकी, इसके ऊपर वाला हिस्सा मैंने घुटने के ऊपर तक ही लिया है तो 21 इंच मैंने इसमें से माइनस कर लिया है। इस तरीके से देखिए, राउंड में इसमें निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टेप वाला हिस्सा आपका 2 ही पार्ट आए इस तरीके से। देखिए ज़्यादा पार्ट नहीं आने चाहिए, नहीं तो जॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 लेयर में मैं बना रही हूँ तो इसमें हिप का नाप लेके और प्लस उसमें 4 इंच करके और इस तरीके से ऊपर से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। और इसका ऊपर वाला पार्ट अलग से हम कट करेंगे, जिसमें कि हम कमर और हिप दोनों के ही निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, जो उसमें से कपड़ा बचा था उसमें से इस तरीके से अम्ब्रेला ही हमें कटिंग करना है। तो इसके नीचे वाले हिस्से में हिप का निशान लगाएंगे प्लस 4 इंच करके और ऊपर वाले हिस्से में कमर का निशान लगाएंगे प्लस 3 इंच करके। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से कटिंग होगी जिस तरीके से हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं, ऐसे ही इस पार्ट की भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए अब इसके जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो साइड के जो टेप वाला हिस्सा है, दोनों ही तरफ से उसको जॉइंट कर लेना है। हल्की हल्की सी इनमें प्लीट्स डालनी है। ऊपर जो भी आपका मार्जिन रहता है उसमें देखिए इस तरीके से हल्की हल्की सी प्लीट्स मैंने डाल ली हैं। इसके अस्तर लगाने के लिए मैंने बिल्कुल पतला वाला मटेरियल लिया है, तो इसलिए मैंने इसको कलियों में कटिंग किया है इस तरीके से। देखिए इसमें अम्ब्रेला भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अम्ब्रेला पतला मटेरियल होता है तो लटक जाता है, इसलिए मैंने कली वाला इसमें कटिंग किया है और इसकी कलियाँ इसमें जॉइंट करके और इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। और इसको अम्ब्रेला वाले हिस्से से 3 इंच मैंने लंबाई में कम लिया है इस तरीके से। देखिए इसके ऊपर वाले पार्ट में भी इस तरीके से दोनों ही तरफ सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लेंगे, ताकि जो प्लीट्स हमने इसके नीचे वाले पार्ट्स में डाली है वो बराबर हमारी आए। और अगर इसमें कम ज़्यादा होती है तो हम इसको इजीली सेट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए दोनों ही पार्ट में निशान लगा के और निशान से निशान मिला के और फिर इसमें सिलाई करनी है। इस तरीके से अगर हम सिलाई करते हैं तो इसकी जो है बिल्कुल एक सा आएगा और इस पूरा खूबसूरती इसकी बनी रहेगी शरारे की। इसमें बेल्ट लगाने के लिए मैंने अलग से प्लेन वाला मटेरियल लिया है जो कि 3 इंच चौड़ा है, क्योंकि ये मेरे पास बनारसी कपड़ा है तो इसमें चुभन सी महसूस होगी, इसलिए प्लेन मैंने लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पुराने कपड़ों के रीयूज़ आइडियाज़ और सभी तरह की जेंट्स और लेडीज़ सिलाई के ट्रिक्स और डिज़ाइंस के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने बेल्ट बना लिया है इसका, और मैंने इसकी चौड़ाई ली थी 3 इंच इस तरीके से। देखिए ये देखिए इस तरीके से अगर बेल्ट बनाएंगे तो इसमें चुभने का नहीं रहेगा, इस तरीके से देखिए कंफर्टेबल रहेगा पहनने पर। इसके घेर में लगाने के लिए मैंने कैनकेन पट्टी ली है जो कि 2 इंच चौड़ी कैनकेन पट्टी है, उसको इस तरीके से लगा लेना है।
ये देखिए, सबसे पहले इसमें आधा इंच कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके और सिलाई कर लेनी है। इसमें कपड़े को खींचेंगे नहीं, क्योंकि अम्ब्रेला कटिंग किया हुआ है तो खींचने पे ये बाद में इसमें शल आ जाएंगे, तो इसलिए इसको खींचेंगे नहीं। बहुत ही ईजीली हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके और फिर एक सिलाई और लगानी है इसमें किनार की, इस तरीके से। देखिए अम्ब्रेला में अगर आप ऊपर से खींचेंगे नहीं कपड़े को और हल्का हल्का सा बिल्कुल नीचे वाले हिस्से को हल्का हल्का सा खींचेंगे तो इसमें बिल्कुल भी शल नहीं आएंगे, एक सा आपका पूरा ये घेर आएगा। इस वीडियो से पहले मैं इसमें कुर्ते की और दुपट्टे की वीडियो डाल चुकी हूँ, तो वह भी बहुत ही खूबसूरत बने हैं, तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी इसके साथ देख सकते हैं। दोनों ही वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इजीली आप उसको देख सकते हैं। यह ड्रेस आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।